हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज को मैं एक नई वीडियो के साथ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अरेंज कैनेडियन डॉलर फ्रॉम इंडिया एंड हाउ मच कैनेडियन डॉलर आई शुड कैरी टू कैनेडा। तो कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना डॉलर लेके जा सकते हो। तो चलते हैं वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू दिस, बिकॉज आपका सिंगल सब्सक्राइब मिले बहुत ज्यादा मैटर करता है। वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो यार फिर अंदर से मोटिवेशन मिलती है तो और वीडियोज लेके आता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे मैं आपके कमेंट्स पर रिप्लाई कर पाऊँ। एंड सेकंड एंड अगेन इफ यू फील लाइक देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम एज वेल, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं सबसे पहले आपको कैनेडियन डॉलर दिखाता हूँ, ये देखो। और फिर इसको मैंने टर्न किया, राइट। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि मैंने इसको अरेंज कैसे किया। जैसे कि आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने अपने ट्यूशन फीस एंड GIC एक्सटर्नल मनी के वायरी पे किया और कैनेडियन डॉलर अरेंज करने में भी एक्सटर्नल मनी ने मेरे को हेल्प किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यार उनको वापस से चूज़ करने का मुझे क्या रीज़न था, बिकॉज जब मैंने उनसे बात करी तो स्टार्टिंग में मेरे को बता रहे थे कि आपको 62.7 के आसपास का मिलने वाला है। देन उन्होंने मेरे को 40 से 50 पैसे और भी कम कर दिए, तो 62.2 के आसपास का मेरे को मिल गया पर डॉलर। और इस पर मैंने अपना करेंसी एक्सचेंज कराया, राइट। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप जाते हो तो, मतलब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे लोकल एरिया में है वो अरेंज करा दिया। एंड आई वेंट एंड आई कलेक्टेड दैट देयर। अभी मेरे पास डॉलर हो चुके हैं तो अब मैं इजिली कैनेडा कैरी कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि यार कैनेडा अगर मूव करते हो तो कितना कैश आपको लेके जाना चाहिए। अब जैसा कि मैं देखता हूँ कि अगर आप लैंड करते हो तो लैंड करने के बाद हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं ऊबर को देना होता है, किसी टैक्सी को देना होता है, तो एटलीस्ट 20-50 डॉलर आप वहाँ का ले लो। और अगर आप कॉलेज स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले कहीं रहते हो तो वहाँ पे भी आपको ये होता है कि यार आप Airbnb या किसी ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पे करना होता है, तो उस भी मनी को ऐड करो। एंड देन अगर आप किसी हाउस में रहने के लिए जाते हो या फर्स्ट मंथ की रेंट को भी कैरी कर सकते हो। अब इससे ये होगा कि एटलीस्ट वहाँ पे जाने के बाद आपको इतना रश नहीं होगा कि आपको जाके पहले बैंक से अपने डॉलर अरेंज करने हैं। एटलीस्ट ये अगर आपके पास होंगे तो आप इजिली हॉस्टल फ्री आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। तो मैंने भी इन सारे सिनेरियोज को कंसिडर किया, तो मुझे भी कुछ ऐसे अमाउंट लेके जाने पड़ रहे हैं जिसमें मुझे इनिशियल डेज में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप कैनेडियन डॉलर कैरी कर रहे हो, राइट, तो अपने साथ ये रिसीट रखो जिसमें ये मेंशन हो कि आपने कितने डॉलर अरेंज किए हैं और कौन से एजेंट से आपने लिया है। और ये भी होता है कि यार आप किसी अपने रिलेटिव से अरेंज कर सकते हो, और अगर आप रिलेटिव से अरेंज करते हो तो ये नहीं कि आप वहाँ से 2000 डॉलर या ऐसा कुछ लेके जाओ। आई वुड से कि 1000 से कम ही हो जिससे आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि 1000 कैनेडियन डॉलर तो लाइक इट इज़ गुड, राइट, यू कैन कैरी इजली। तो ये सब सारी चीज़ें हैं एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई चीज के साथ, तब तक के लिए ओके बेटा।